स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। और आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज के क्लास 11 के सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। और जो भी फॉर्मूला आएगा मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारे फॉर्मूले यूज हो सकते हैं। तो जो पर्टिकुलर जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसमें आपको फॉर्मूला जरूर बता दूंगा। दूसरा, अगर आपको सारे फॉर्मूले देखने हैं तो वेबसाइट पर जाएँ, www.mathematicsstudyhub.com, उस पर आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे, आप फॉर्मूले देख लें। और फिर हम लोग आगे टॉपिक की बात करें तो जो भी आएगा मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, बहुत ही अच्छा है, स्कूल में बहुत बार पूछा जाता है। फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस 777777 डॉट डॉट एन टर्म्स। तो देखने में ऐसा लगता है कि जीपी है, लेकिन एक्चुअल में जीपी नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा सिक्वेंस सीरीज में एपी जीपी से रिलेटेड क्वेश्चन है और कुछ मिक्स सीरीज के क्वेश्चन है। तो यहाँ 777 है, जीपी क्यों नहीं है? क्योंकि 77/7 करेंगे तो 11 आएगा, और 777/77 करेंगे तो ये 11 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, आप डिवाइड करके देख लेना। तो देखने में लगता है जीपी है, एक्चुअल में ये जीपी नहीं है। तो चलो फिलहाल ये क्लियर हो गया, जीपी नहीं है। तो फिर सम कैसे फाइंड आउट करें इस पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिर बताता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सम एस मतलब सम कर रहे हैं, सम का मतलब क्या होता है, टर्म्स को ऐड करना है। तो इस फॉर्मूले में पहले लिख लेते हैं टू एन टर्म्स, ठीक है? अब ये क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट भी आ सकता है, जैसे 8 आ जाए, 8 आ जाए, 888 आ जाए, ठीक है? कोई भी नंबर आ सकता है, आपको सेम फॉर्मेट से करना है। यानी कि अगर 8 होगा तो आपको 8 कॉमन लेना है, यहाँ 7 है तो 7 कॉमन लेना है। तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ 8 होता तो 8 कॉमन लेते, लेकिन अंदर का टर्म क्या आएगा, सेम आएगा। 7 से अगर डिवाइड करें, 111, ये 111 डॉट 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 टू एन टर्म्स। तो यानी कि कॉमन लेने के बाद अंदर वाला जो टर्म है वो सेम हो जाता है। यानी अगर यहाँ पे 8 आता तो 8 कॉमन आता, तो इधर तो 111111 यही आता, तो इसका मतलब आगे की प्रोसेस सब क्वेश्चन के लिए सेम रहती है, ठीक है? इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 9 से डिवाइड कर लेते हैं और 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये इसलिए कर रहे हैं जिससे कि सीरीज बन जाए, ठीक है? और किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि 9 से ही क्यों किया गया। 9 को हम लिख देंगे 10-1, 99 को लिख देंगे 100-1। आप समझ गए होंगे कि मैंने 9 से क्यों किया था, क्योंकि जिससे कि ये 10, 100, 1000 ये सिंपल टर्म आ जाएंगे और ये जीपी फॉर्म करेंगे, इसलिए हम लोग 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक है? अब एक चीज और देखें, 10, 100, 1000 ये जीपी है, क्योंकि इसमें रेशियो 10 का है, तो इनको एक साथ कर लेते हैं क्योंकि इसमें जीपी का फॉर्मूला लग जाएगा। अब 1 का क्या करेंगे, 1 सब में है। देखो 1 को अगर हम एक बार ऐड करें, दो बार ऐड करें तो 2 आता है, 3 बार ऐड करेंगे 3 आएगा, 4 ऐड करेंगे 4। ऐसी अगर 1 जो है वो अगर एन टाइम्स है तो कितना आएगा, एन आ जाएगा, और वो भी माइनस का आएगा क्योंकि माइनस सब में है, ठीक है? तो 7/9 ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में तो 10, 100, 1000 टू एन टर्म्स लिख लेते हैं, और ब्रैकेट क्लोज, माइनस, और ये जो वन है ये एन टाइम्स है तो ये सॉल्व होके एन आ जाएगा, और माइनस इसलिए आएगा क्योंकि सब में माइनस कॉमन आएगा, ठीक है? तो ये समझ में आ गया। चलिए ये एक जीपी है, जीपी में जिसमें फर्स्ट टर्म अगर मैं लिखूँ तो 10 है, और रेशियो की बात करें तो 100/10 से वो भी 10 आएगा रेशियो। तो जीपी के अगर आपको सम का फॉर्मूला नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ, एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी, एस एन होता है ए ब्रैकेट आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, जिसमें आर कॉमन रेशियो है, ए फर्स्ट टर्म है। तो चलिए इस सीरीज में पुट करते हैं, तो एस इक्वल टू 7/9 ब्रैकेट, इस वाले में क्या है, फर्स्ट टर्म है 10 ब्रैकेट आर की पावर एन, आर भी 10 है, माइनस वन अपॉन 10-1, ये तो पूरा यहां से यहां तक का सॉल्व हो गया, और एक माइनस का एन भी है इसमें, ठीक है? तो बस यही, बस एक स्टेप और सॉल्व करना है। तो एस इक्वल टू 7/9 10 ब्रैकेट 10 की पावर एन माइनस वन अपॉन 10-1 9, और ये माइनस का एन ब्रैकेट क्लोज। तो यही आपका सम ऑफ एन टर्म्स आ गए सीरीज के लिए, और यही इसका आंसर है। आप अच्छे से देख लें, और इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की आपको जरूरत नहीं है, बुक में भी ऐसे लिखा रहता है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन मैंने जीपी बेस्ड लिया, लिखा है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1।
फाइंड द कॉमन रेशियो एंड यानी आर फाइंड आउट करना है एंड द टर्म्स, आपको जो भी थ्री टर्म्स लिए वो टर्म्स भी फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, इन जनरल तो हम जीपी के थ्री टर्म्स स्टार्टिंग की बात करें तो वो ये लेते हैं ए इंटू ए आर और फिर ए आर स्क्वायर। लेकिन इस जब भी आपको क्वेश्चन में प्रोडक्ट दिया हो प्रोडक्ट, तो उस केस में ये टर्म्स ना लेके हम जो थ्री टर्म्स लेते हैं, थ्री टर्म्स इन जीपी, वो ये ले लेते हैं ए वाई आर ए ए आर। बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि इसमें अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो आर से आर कट जाएगा तो एक वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा तो हमें इजीली ए मिल जाएगा। अगर हम ये तीन टर्म लेंगे तो यहाँ कुछ कैंसिल नहीं होगा तो यहाँ बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये भी सीरीज जीपी में और ये भी सीरीज जीपी में। तो याद रखना जब भी पर्टिकुलर थ्री टर्म्स का क्वेश्चन आए जीपी में तो उस केस में हमें ये तीन टर्म लेने। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट थ्री टर्म्स इन जीपी बी ए वाई आर कॉमा ए कॉमा ए आर, ये ले लिए। चलिए अब कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं, सम दे रखा है 39/10 और प्रोडक्ट है 1, तो पहले प्रोडक्ट वाली कंडीशन लगा लेते हैं जिससे कि आर कैंसिल होकर हमें ए मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट करना है तीन नंबर का, वो 1 के इक्वल दे रखा है, आर से आर कैंसिल, ए इंटू ए इंटू ए, तो ये आपका ए क्यूब हो जाएगा, क्यूब रूट करोगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब एक और कंडीशन है जिसमें तीनों नंबर का जो सम है वो है 39/10 यानी ए वाई आर प्लस ए प्लस ए आर इक्वल टू 39/10। ए के लिए 1 पुट कर देते हैं तो 1/r प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 39/10। चलिए इसको सिंपलीफाई करते हैं तो एलसीएम आएगा इसमें r, तो यहाँ आएगा 1 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो r आएगा, r का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो r, यहाँ आपका r स्क्वायर आएगा 39/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 10 का मल्टीप्लाई यहाँ 1 प्लस आर स्क्वायर में होगा और ये 39r होगा। 10 का मल्टीप्लाई करते हैं इस 39r को भी इस साइड लाएंगे और पहले हाई डिग्री टर्म लिख लेते हैं, तो 10r स्क्वायर प्लस 10r है माइनस का 39r आ जाएगा और फिर कांस्टेंट नंबर, तो 10r स्क्वायर माइनस का 29r हो जाएगा क्योंकि 10 माइनस 39 माइनस का 29 प्लस का 10 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो क्या होता है मिडिल टर्म स्प्लिट का रूल, 10 इंटू 10 100 हुआ, 100 को ऐसे ब्रेक करो 29 आ जाए तो 25 इंटू 4 100 होता है और 25 प्लस 4 29 होता है, तो 10 आर स्क्वायर माइनस 25 आर माइनस 4 आर माइनस माइनस 10 इक्वल टू 0 सॉरी प्लस 10 है। इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा 5 आर, तो आएगा 2r माइनस 5, यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है माइनस का 2 लेना पड़ेगा लेकिन, तो 2r माइनस 5 इक्वल टू 0, तो एक ब्रैकेट में आ गया 2r माइनस 5, एक ब्रैकेट में आ गया 5r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इस एक बार 2r माइनस 5 को 0 किया तो r के लिए यहाँ से 5 बाई 2 आ जाएगी क्योंकि 2 डिवाइड में आएगा, और यहाँ से 5r माइनस 2 को 0 किया तो r के लिए 2 बाई 5 आ जाएगी। तो हमारे पास R की दो वैल्यू आई हैं, तो हम केस वन केस टू ले लेते हैं, केस वन केस टू, तो R हमारा एक 5 बाई 2 आया और R हमारा एक 2 बाई 5 आया और A तो दोनों ही केस के लिए 1 ही रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या क्या निकालना था, रेशियो, तो रेशियो आ चुका है, अब टर्म्स निकाल लेते हैं। तो थ्री टर्म्स हमारे क्या थे, ए वाई आर ए ए आर, सेम चीज़ यहाँ भी होगी ए वाई आर ए ए आर, बस डिफरेंट है R की वैल्यू, पुट कर देते हैं तो ए 1 है आर की वैल्यू 5 बाई 2 इस वाले केस के लिए, कॉमा ए 1 है ए 1 इंटू 5 बाई 2, 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा तो इस वाली सीरीज के टर्म्स आ गए 2 बाई 5 कॉमा 1 5 बाई 2। चलिए यहाँ भी पुट करते हैं, ए 1 है आर की वैल्यू 2 बाई 5 है, ए 1 है 1 इंटू 2 बाई 5, तो ये 5 न्यूमरेटर में आ जाएगा तो 5 बाई 2 कॉमा 1 कॉमा 2 बाई 5, तो यानी केस अलग अलग है तो एक ये टर्म्स हो गए और एक के ये टर्म्स हो जाएंगे, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन इसमें लिखा है द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म। हमें जो रेशियो फाइंड आउट करना है वो 18 टर्म का फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें 18 फर्स्ट सीरीज 18 सेकेंड सीरीज इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो अगर ए पी की बात करें तो ए पी का जो nth टर्म होता है वो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि ए वन प्लस एक कम हो जाता है 17 डी वन,
सेकेंड सीरीज है तो ए टू प्लस 17 डी टू, यानी हमें अगर ये रेशियो फाइंड आउट करना है तो हमें फाइनली ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समझ में आया? 17 क्यों करा? क्योंकि n माइनस वन इंटू डी होता है, क्योंकि ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए पी का ये फॉर्मूला होता है ए एन का, तो इस वजह से एक कम होता है। तो चलिए टारगेट तो पता लग गया हमें, 18 टर्म का जो रेशियो फाइंड आउट करना है उसके अकॉर्डिंग ये फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है? उनकी सम का रेशियो गिवन है, फर्स्ट सीरीज और ये सेकेंड सीरीज जो भी है उनका रेशियो गिवन है 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। ठीक है, अब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? तो एस एन का फॉर्मूला होता है एन वाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो फर्स्ट सीरीज है तो यहाँ ए वन डी वन कर लेते हैं, और एस एन टू है यहाँ पे, तो एन वाई टू 2a2 प्लस एन माइनस वन डी टू, और राइट हैंड साइड है 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। अब कुछ लोगों को डाउट आ सकता है कि मैंने n को सेम क्यों रखा, क्योंकि सीरीज डिफरेंट है तो फर्स्ट टर्म और डिफरेंस सेम होगा लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स दोनों के n लिए गए हैं इसलिए n रहेगा, तो ये चीज कैंसिल। तो फाइनली आ गया 2a1 प्लस एन माइनस वन डी वन अपॉन 2a2 प्लस एन माइनस वन डी टू इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ ap का मैंने फॉर्म लगाया था। चलिए अब रिलेट करते हैं जो फाइंड आउट करना है। 18 टर्म के अकॉर्डिंग यहाँ ए वन होना चाहिए, यहाँ 2a1 है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यानी जो भी हम काम करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग करेंगे जो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर 2 कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा a1, अब यहाँ 2 है नहीं तो इसलिए डिवाइड में आएगा, यानी n माइनस वन अपॉन 2d1, सेम चीज़ डिवाइड में होगी तो ए टू प्लस एन माइनस वन अपॉन 2d2 इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। ये आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया हमारा a1 प्लस एन माइनस वन अपॉन 2d1 a2 प्लस, अब आप देख पा रहे हैं n माइनस वन अपॉन 2d2 इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। अब आप देख पा रहे हो इजली कि यहाँ पे a1 प्लस समथिंग d1 है और जो मैं लाना है वहाँ 17 लाना है, इसका मतलब है d1 के साथ जो भी नंबर है यानी कि n माइनस वन अपॉन 2 है इसको क्या होना पड़ेगा 17। तो यहाँ से हम n फाइंड आउट कर लेंगे और उस n की वैल्यू को RHS में पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो n माइनस वन इक्वल टू 34, ये 1 इधर ऐड हो जाएगा। अब कुछ लोगों को डाउट आ सकता है ऐसे तो हम जो हमें लाना है उसी को पुट कर रहे हैं, देखिए हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, हम अगर इस n की वैल्यू को LHS RHS में पुट करें तो सेम रिजल्ट आता है। देखो होता क्या है, जो चीज़ हम LHS में कर रहे हैं वही RHS में कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमने कंडीशन चेंज नहीं की है, लेकिन हमें n की वैल्यू वो चाहिए जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। तो वो कैसे पता लग रहा है कि भाई डी वन का जो कोफिशियंट है वो n माइनस वन अपॉइंट टू है, यहाँ 17 लाना है तो इसका मतलब n माइनस वन अपॉइंट टू क्या है 17 है, तो यहाँ से हमें n मिल गया। ठीक है, तो बस अब n की वैल्यू इस वाले टर्म में पुट कर देते हैं, तो a1 प्लस एन के लिए 35 माइनस वन अपॉन 2d1 इक्वल टू सॉरी अपॉन में 35 माइनस वन अपॉन 2d2 इक्वल टू 5 इंटू 35 प्लस का 4 अपॉन 9 इंटू 35 प्लस का 6। तो 35 माइनस 1 34, 2 से डिवाइड करोगे फाइनली 17 आएगा। तो कुछ स्टूडेंट हो सकता है डायरेक्टली यहाँ से देखा जाए तो यही वैल्यू तो 17 है तो डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, मैंने इसलिए पुट किए कि जिससे कि आपको क्लियर है कि मैंने एन के लिए 35 LHS में भी रखी है और RHS में भी रखी है। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई 35 में होगा तो 5 फिफ्थ 25 175 प्लस 4, और यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 9 5 45 27 और 4 31 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 179 अपॉन 321। तो ये कौन सा टर्म है? 18 टर्म है, तो फर्स्ट सीरीज का ये 18 टर्म सेकेंड सीरीज का। तो इस तरीके से आपको फाइनली टर्म्स के रेशियो मिल गए 179 अपॉन 321। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन सो दैट द नंबर इन द रेशियो दिस, यानी कि दो नंबर अगर हम ए बी लेट करते हैं तो ए अपॉन बी आपको ये प्रूफ करना है। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन, अगर आपके पास दो नंबर है ए और बी तो एक ए एम होता है अर्थमेटिक मीन होता है ए प्लस बी अपॉन टू,
और ज्योमेट्रिक मीन यानी जी एम उसको होता है रूट ए बी। तो ये आप ध्यान रखें कि इस क्वेश्चन में लॉजिक, कभी किसी क्वेश्चन में अगर ए एम आए तो दो नंबर का ए एम जो होता है ए प्लस बी अपॉन टू, अर्थमेटिक मीन जी एम होता है रूट ए बी। फिलहाल हमें जी एम का काम है तो ये हमें याद करना है, ठीक है। तो लिखा है सम ऑफ टू नंबर्स, तो अगर हम लेट कर लें टू नंबर्स, लेट टू नंबर्स बी ए एंड बी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ टू नंबर्स यानी कि ए प्लस बी सिक्स टाइम्स यानी सिक्स मल्टीप्लाई ज्योमेट्रिक मीन। तो सिक्स ज्योमेट्रिक मीन माने वहां लिख रखा है रूट ए बी है, तो फिलहाल ए प्लस बी हमें मिल गया सिक्स रूट ए बी। तो यहाँ पे एक इक्वेशन तो हमारे पास आ गई ए प्लस बी इक्वल टू रूट सिक्स, सॉरी सिक्स रूट ए बी। अब अगर एक और इक्वेशन आ जाए तो हम इजीली ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं या रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन को आप बनाने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का फोर ए बी। तो ये आपको आइडेंटिटी कह सकते हैं याद रखनी है ए माइनस बी की इन टर्म्स ऑफ ए प्लस बी, क्योंकि ए प्लस बी आपको पता है तो आप इजीली ए माइनस बी फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखने वाला काम है, ठीक है। तो चलिए ए प्लस बी के लिए पुट करते हैं सिक्स रूट ए बी माइनस फोर ए बी, तो ये 36 रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो फाइनली ए माइनस बी आ जाएगा। थर्ड ए माइनस बी का होल स्क्वायर 32 ए बी, स्क्वायर रूट कर दो तो रूट 32 रूट ए बी, और रूट 32 सॉल्व होकर आएगा 4 रूट टू, मतलब अगर प्राइम फैक्टर आप कर लें तो ए माइनस बी मिल जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन, अब आप फर्स्ट अपॉन सेकेंड कर दीजिए, तो फर्स्ट है ए प्लस बी, सेकेंड है आपका ए माइनस बी, और यहाँ पर का सिक्स रूट ए बी है और यहाँ आपका फोर रूट टू रूट ए बी है। तो रूट ए बी तो कट गया, ये भी टू टाइम्स कट रहा है, तो फाइनली बचा थ्री अपॉन टू रूट टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जब आपका ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी आए और आपको ए अपॉन बी फाइंड आउट करें करना हो तो आप सी एन डी रूल अप्लाई करें, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। अब ये कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल में क्या होता है तो आइए देखते हैं। तो क्या होता है कंपोनेंट डिविडेंडो में समझते हैं, तो लिख देंगे बाई सी एन डी रूल, ऐसे भी लिख सकते हैं सी एन डी रूल, ठीक है। तो ये हटा देते हैं, यहाँ हम लिखते हैं कंपोनेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ठीक है। तो कंपोनेंडो डिविडेंड रूल में क्या होता है समझते हैं, जो न्यूमरेटर में नंबर है वो न्यूमरेटर में भी लिखेंगे और डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे, ठीक है। फिर न्यूमरेटर में प्लस और डिनोमिनेटर में माइनस, और फिर जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है वो न्यूमरेटर में भी लिखेंगे डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे, समझ में आया। तो चलिए यही चीज़ में करते हैं, न्यूमरेटर वाला नंबर न्यूमरेटर में भी लिखा, डिनोमिनेटर में भी लिखा, प्लस लगाया माइनस लगाया और नीचे वाला नंबर लिख दिया। तो जो काम एलएचएस में करा वही आरएचएस में, इसी को बोलते हैं कंपोनेंट डिविडेंड रूल। इससे बेनिफिट क्या होता है, आंसर डायरेक्ट मिल जाता है, कैसे, ए प्लस बी प्लस का ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का ए प्लस का बी, और देखा जाए तो यहाँ से तो आंसर आपका आ ही चुका है, बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, 2a अपॉन 2b। तो देख लीजिए आप 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, आपका a अपॉन b, a अपॉन b मतलब नंबर्स का रेशियो, देखो आपको यही प्रूव करना था। तो फाइनली आपको आंसर मिल गया कि a अपॉन b 3 प्लस टू रूट टू अपॉन 3 माइनस टू रूट टू है। तो समझ में आया, सी एन डी रूल आपको समझ में आ गया हो, ये बहुत यूजफुल है, आप याद रखें जब भी प्लस माइनस हो आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें लिखा है इफ ए एंड जी बी अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी क्लियर कर दिया था अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स और देयर द नंबर्स आर दिस। तो जो नंबर है अब प्लस माइनस शो कर रहा है कि एक ए हो जाएगा और एक बी, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते थे तो एक्स की दो वैल्यू एक ही फॉर्मूले में इंक्लूड हो जाती थी, तो वही मतलब है इसमें, ठीक है। तो अगर हम लेट कर लें फिर से, लेट टू नंबर्स बी ए एंड बी, तो ए यहाँ पे अर्थमेटिक मीन है, तो मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी अपॉन टू होता है, जी ज्योमेट्रिक मीन है तो वो रूट ए बी होता है।
तो आपको अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दे रखा था, फिर लिखा था बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर प्रूव दैट नंबर्स आर दिस, ठीक है। तो अब आपका जो टारगेट है वो तो नंबर्स फाइंड आउट करना है। अब नंबर ए भी दे रखे हैं तो हमें ए फाइंड आउट करना है और बी फाइंड आउट करना है। तो अब नंबर्स कैसे आएंगे, तो हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी ए बी में। तो एक काम कर देता हूँ, ए को मैं थोड़ी देर के लिए एक्स ले लेता हूँ, बी को वाई, क्योंकि हम लोग ज़्यादा कैलकुलेशन एक्स वाई में जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि हमारा माइंड ज़्यादा काम करता है, एक्स वाई में हमने ज़्यादा काम किया है, ठीक है, थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए ए को एक्स ले लेता हूँ और बी को वाई, तो यह हो जाएगा ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन टू, क्योंकि ए बी में कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, और ये रूट एक्स वाई हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर कर दें तो जी स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। तो वाई के लिए यहाँ से आ जाएगी जी स्क्वायर अपॉन एक्स, और यहाँ से एक्स प्लस वाई के लिए कितनी आ जाएगी टू ए। तो आपको अब ईजिली दिख रहा होगा कि यार ये दो इक्वेशन है, इनको हमें सॉल्व करना है, एक्स वाई निकालना है, एक्स वाई निकालना मतलब ए भी निकल जाएगा, ठीक है। तो y के लिए आप, और ये मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लूँ, मैं फिर से रिपीट कर दूँ मैंने क्या क्या किया है, a लिखा था, g लिखा था, बस ए बी को एक्स वाई लिख लिया, जिससे मतलब कह सकते हैं ए बी में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग ज़्यादा ना इक्वेशन एक्स वाई में सॉल्व करते रहते हैं, तो उसी में लिख लिया, ठीक है। तो एक्स वाई लिखा, फिर स्क्वायर करके हमने वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यहाँ से ए बी को एक्स वाई लिया था तो एक्स प्लस वाई टू ए के इक्वल आ गया। अब वाई की वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, पुट दी वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू है जी स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू टू ए, एक्स एलसीएम आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू टू ए, तो एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू टू ए एक्स, एक्स वाला टर्म एलएचएस में ले आएंगे, जी स्क्वायर यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये क्वाड्रेटिक बन गया। अब यहाँ पे लगाना होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं लिख दूँ तो क्या होता था, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, जिसमें बी आपका माइनस टू ए है, ए की बात करें तो एक्स स्क्वायर कोफिशियंट होता था तो वन है, और सी यहाँ पे जी स्क्वायर है। तो चलिए बी और ए सी के लिए पुट करते हैं, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी, बी है माइनस का टू ए, तो माइनस ऑफ माइनस टू ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो यानी माइनस टू ए का स्क्वायर माइनस का फोर इंटू ए, ए यहाँ पे वन है और सी जी स्क्वायर है अपॉन टू इंटू ए, ए वन है, तो एक्स इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू ए प्लस माइनस टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस सॉरी फोर ए स्क्वायर, और ये माइनस का फोर जी स्क्वायर अपॉन टू, तो एक्स इक्वल टू तो टू ए प्लस माइनस फोर इसमें कॉमन मिल रहा है, लेकिन रूट से बाहर करोगे तो टू आएगा बाहर, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन टू, इन दोनों में टू कॉमन मिल जाएगा और ये टू कट जाएगा, तो फाइनली मिल जाएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। एक्स हमने ए ले रखा था तो ए मिल जाएगा, एक ही बात है चाहे एक्स लिखो चाहे ए लिखो, चलिए हमने ए लिख लिया वापस, तो एक्स ए आ गया ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी ए माइनस बी, देखो यही आंसर आ रहा है, तो फाइनली अगर मैं ए को लिख दूँ तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमारा फाइनली ए आ गया रूट ए प्लस जी ए माइनस जी, ठीक है लास्ट स्टेप, ठीक है। तो ये इधर दिए मैंने, अब आप कहोगे हमें तो ए बी दोनों फाइंड आउट करने थे नंबर्स, तो इसी ए में ए बी है और ये खुद भी बी है, जैसे आपको एक्स के दो रूट निकालने होते थे क्वाड्रेटिक में, तो एक्स वन एक्स टू होते हैं वैसे रूट, अल्फा बीटा भी होते हैं, लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उसी में दो रूट आ जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं ये जो प्लस माइनस आया है तो एक ए जो है वो प्लस वाला हो गया और जो बी है वो माइनस वाला होगा, लेकिन हमें एक साथ आंसर देना है, तो आप ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे नंबर्स आर दिस, क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए तो आज हमने फाइव क्वेश्चन डिस्कस कर लिए सीक्वेंस एंड सीरीज के, और अगर आपको समझ में आए तो लाइक जरूर कर दें और फ्रेंड्स में शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भला हो, और अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।